नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मेजर नपेंद्र सांगवान ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत शहर के कई वार्डों का दौरा किया और सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस अवसर पर सभी लोगों को संबोधित करते हुए मेजर नरेंद्र सांगवान ने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सभी सीटें भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी हरियाणा की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। मेजर नरेंद्र सांगवान जी ने बताया कि चरखी दादरी हरियाणा का नया जिला बना था, जहाँ विकास कार्य बहुत ज़्यादा होने थे, लेकिन सरकार ने चरखी दादरी जिले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम है कि शहर व गांव में बिजली, पानी व सड़क व्यवस्था का बुरा हाल है। भाजपा सरकार विकास के दावे करती है, लेकिन चरखी दादरी जिले में विकास के नाम पर कोई पैसा नहीं लगा। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ उमेश सत्यसाहेब की रिपोर्ट, हरियाणा। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं तो दो बातें जानता हूं। बाबू गणपत राय तीन बार दादरी से एमएलए रहे और एक बार तो ऐसी विधानसभा के एमएलए रहे, 81 की विधानसभा थी, एक की मेजोरिटी चाहिए थी। ये वो शख्स है, किसी लोग पर लोग में नहीं आया। आदर्श है दादरी, कितने बड़े पदों पर, एचपीएससी चेयरमैन, मेंबर, रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और कितने आदमियों को जॉब दिए, गजेटेड जॉब ऑफिसर। ये महान विभूति सत्सिप से लेकर और इनका कार्यकाल 80-85 तक चला, बीच में कभी डाउन भी हुए। और आपका ये सौभाग्य है भाई, इनके बाद कैंडिडेट दादरी का मेजर नरेंद्र है। ईमानदारी, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन आप सभी बैठे हो, ये गलत नहीं हूं। आपसे एक ही अनुरोध है, ज्यादा भाषणबाजी का तो टाइम नहीं है, 8 दिन आपके वर्किंग बचते हैं। आज के बाद कोई रिश्तेदार है, कोई संकोच नहीं, मोबाइल है, टेलीफोन है, आपके पास सारे साधन है, फिर भी किसी के पास कसर है। तो मेजर साहब से, इस परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, उनको साधन उपलब्ध तुरंत कराए, जी तोड़ मेहनत करो भाई। मेजर कंपटीशन में आज के दिन अपर है, किसी की खाली